हाय फ्रेंड, मेरा किचन में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को मिट्टी का बर्तन में बनाना सिखाऊंगी मैगी, और आप लोग को सिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। और उसके लिए क्या क्या चाहिए हम बता रहे हैं। थोड़ा सा प्याज चाहिए, थोड़ा सा कैप्सिकम चाहिए, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा करिया पत्ता और हरी मिर्च, और साथ में थोड़ा सा पास्ता मसाला, मैगी मसाला। तो दोस्तों देखिए, हम इधर में ये मिट्टी का बर्तन बैठाए हैं, और देखिए इसी में बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। हम कभी कभी मेरा बेटा को बना के देते हैं, इसीलिए एक ठो मिट्टी का बर्तन रखे हैं मटका, तो इसी में बनाएंगे आज और आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो फ्रेंड देखिए, मेरा अभी तेल गर्म हो चुका है, अभी हम लोग इसमें मिर्च ऐड करेंगे करेंगे। प्याज को थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसे ही पीस में काटिएगा, और अभी इसमें हम करिया पत्ता को ऐड करेंगे। और थोड़ा सा कैप्सिकम ऐड करेंगे। सारी चीजों को अभी अच्छा से थोड़ा भून देंगे। तो देखिए, अभी मैंने सारी चीजों को भून ली हूँ। फिर अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने इसमें ऐड कर ली। इसको थोड़ा सा पकने देंगे। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग पकने देंगे। तो ये देखिए अभी हो रहा है। इसी में अभी हम लोग मैगी मसाला को ऐड करेंगे दोस्तों, और थोड़ा सा पास्ता मसाला। फिर सारी चीजों को अभी अच्छा से थोड़ा भून लेंगे। सारी चीजों को अभी हम लोग भून लिए। देखिए सारी चीजों को भून लिए अच्छा से। फिर अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे दोस्तों। देखिए थोड़ा पानी हम इसमें ऐड कर लिए। पानी मेरा ऐड हो चुका है, अभी इसमें हम लोग मैगी ऐड करेंगे। तो मैंने इसे मैगी भी ऐड कर ली। तो देखिए अभी थोड़ा देर इसको पकने देंगे। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग को थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हैं मेरा मैगी मटका वाला अभी हो चुका है। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। बच्चा लोग को ऐसे भी बटर बहुत पसंद है। तो देखिए बनके रेडी हो गया मेरा मैगी। तो फ्रेंड देखिए, बनके हो गया है रेडी। अभी मैं मेरा बेटा को मैगी दूंगी खाने के लिए।
तो फ्रेंड देखिए मेरा मैगी बन के रेडी हो गया है। अभी मैं उसके ऊपर थोड़ा सा टमाटर सॉस ऐड करूंगी। मेरा बेटा को ऐसे ही पसंद है। तो देखिए पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।